तो ट्रेन थोड़ा सा लेट हो गई थी इसलिए तो फिर चढ़े, फिर सीटों का चक्कर पड़ा। वैसे तो आधी ट्रेन हमारे पास है पर सीट लगातार ना देकर थोड़ा सा नुकसान हुआ कि कुछ आगे पीछे कर दी तो उसको सेटिंग करने में टाइम लगा। अभी भी लग रहा है, अभी की नहीं है, कुछ लोगों से समझौता करना पड़ा है तो, पर अभी रोटी का टाइम चल रहा है और रोटी खाते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे। आगे अब हमारा अगला स्टॉप पड़ेगा अम्बाला सिटी, उसके बाद पड़ेगा अम्बाला कैंट। तो दोस्तों अम्बाला सिटी हम शायद स्किप कर सकते हैं और अम्बाला कैंट में फिर आपसे मिलूँगा, ठीक है दोस्तों। बहुत बड़ा कारखाना है, वर्कशॉप है। दूसरा, यहाँ से आपको लुधियाना, अमृतसर, जम्मू, बठिंडा, पटियाला और चंडीगढ़, मोहाली, यहाँ के लिए ट्रेनें मिल जाती हैं। और दूसरी तरफ करें कहे बात तो देहरादून, हरिद्वार, सहारनपुर, रुड़की और दिल्ली, मेरठ की तरफ जाने वाली ट्रेनें मिल जाएंगी, कुरुक्षेत्र, करनाल, यहाँ से तकरीबन आपको तकरीबन सभी ट्रेनें मिल जाएंगी। तो जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बता ही दिया है, हम अम्बाला कैंट स्टेशन की तरफ बढ़ चुके हैं और मेरे हिसाब से जो मैं एक थोड़ा सा मैं आइडिया लगा रहा हूँ, हम पटियाला हम प्लेटफार्म एक पर ही खड़े होंगे। तो दोस्तों एट प्रेजेंट हम अम्बाला कैंट प्लेटफार्म 2 पर खड़े हो गए हैं। 5 मिनट का होल्ड है हमारी ट्रेन का और मैं आपको थोड़ा सा इस ट्रेन का स्टेशन का व्यू दिखाता हूँ। और यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट का होल्ड है, उसके बाद हमारा अगला हम हरिद्वार वाले रूट पर पहुँच जाएंगे, यमुनानगर स्टॉपेज पड़ेगा। तो फिर मैं आपको थोड़ा सा स्टेशन का और ट्रेन का व्यू दिखाता हूँ। दोस्तों एक चीज़ थोड़ा देखने लायक है, मैं अभी थोड़े काफ़ी टाइम तो वैसे मुझे भी हो गया ट्रैवल नहीं किया ट्रेन में, बट आप पटरी देख सकते हैं, पहले की कंडीशन कुछ और होती थी और अब की कंडीशन मैं आपको दिखा दूँ, साफ पड़ी हैं रेल पटरियाँ। तो दोस्तों अब हम लोग पहुँच चुके हैं जगाधरी वर्कशॉप स्टेशन पे, 2 मिनट का होल्ड है और शांति नुमा स्टेशन है, मुझे लगता है इसका भी अभी नूर बदला है, काम हुआ है। और फिर इसके बाद मिलते हैं अगले स्टेशन पे। ये मेरे बैकग्राउंड में आप इसका व्यू देख सकते हैं और हमारी ट्रेन जो खाली 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 सी है पर डब्बे भर चुके हैं, पता नहीं बीच बीच में शायद खाली भी हैं, कह नहीं सकते। लहरा रहा, जैसा कि आप लोगों को दोस्तों पता ही है कि मैं अपनी हर वीडियो में जय हिंद बोलता हूं, तो उसके लिए मुझे मेरी शान, मेरी आन और हम सब की शान, हमारा देश का तिरंगा दिख ही रहा है लहराता हुआ शान से और बहुत ऊंचा है। तो दोस्तों मैं बता दूं, इस वक्त हम लोग हैं यमुना नगर जगाधरी। बाल वगैरह देख ही रहे होंगे और सॉरी दोस्तों, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया था तो मैंने बीच के बहुत से स्टेशंस स्किप किए, सो गया था, थक भी गया था। तो अब हमारा स्टेशन है हज़रत निज़ामुद्दीन आने वाला है, तो मैं आपको उसके व्यू दिखाता हूँ और तब तक थोड़ा फेस, मतलब जो मेरा हुलिया है उसको भी थोड़ा सही करता हूँ और फिर मैं मिलता हूँ स्टेशन पर हज़रत निज़ामुद्दीन। Oh my god.
मैं हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन आ चुका हूँ और यहाँ पर हमारी ट्रेन जो कि 4:10 पे पहुँचती है, 10 मिनट लेट की देरी पे अपने स्टेशन पे हज़रत निज़ामुद्दीन लग चुकी है। यहाँ पे 15 मिनट का होल्ड है तो 10 मिनट देरी के साथ यहाँ पहुँच गई है। और अब आगे थोड़े से स्टेशन के बारे में बताता हूँ कि ये जो स्टेशन है वो नई दिल्ली के बाद पड़ता है। बट अब मैं अपनी ट्रेन का जो रूट है वो भी बता देता हूँ। ये सहारनपुर, मेरठ, गाज़ियाबाद, मुजफ्फरनगर इस रूट से होती हुई आई है। और इसके रूट में नई दिल्ली नहीं पड़ा। नई दिल्ली के बाद हमारा जो स्टॉपेज ये जो है वो बड़े स्टेशन के तौर पे पड़ा है। यहाँ पर 15 मिनट का स्टॉपेज ट्रेन का इसलिए रखा है, जो नई दिल्ली पर अगर कोई ट्रेन होती हमारी आती नई दिल्ली के थ्रू तो वहाँ पर भी 15 मिनट का स्टॉपेज होता है। इसे उसी मद्देनजर गए हैं, यहाँ पर 15 मिनट का स्टॉपेज है। तो दोस्तों फिर मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ वहाँ का व्यू। अनाउंसमेंट शुरू। तो दोस्तों एक और स्टेशन के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि अब हमारी ट्रेन मथुरा स्टेशन से थोड़ी ही दूर है और हम लोग कोसी कला रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। यहाँ पर 2 मिनट का होल्ड है, इसके बाद छादा रेलवे स्टेशन आएगा। और यहाँ से आपको बता दूँ कोसी कला स्टेशन से आप बरसाने के लिए जा सकते हैं। बरसाना यहाँ से पास पड़ता है, मथुरा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसको बरसाना, नंदगांव, कोकिलाबन, गोवर्धन जाना है वो यहाँ से सीधा जा सकता है। तो दोस्तों 2 मिनट का होल्ड है तो अब चलते हैं यहाँ से छाता स्टेशन की ओर। थोड़ा सा स्टेशन का व्यू दिखा देते क्योंकि स्टेशन प्रॉपर तैयार किया जा रहा है, अभी चल रहा है काम। क्योंकि मैं बहुत पहले आया था तो स्टेशन की लुक कुछ और थी और इस वक्त स्टेशन की लुक कुछ और है। तो दिखाते हैं इधर का भी व्यू थोड़ा सा। तो दोस्तों अब हमारा सेकंड लास्ट स्टेशन है छाता रेलवे स्टेशन। और जो ये स्टेशन है इसके बारे में बता दूं थोड़ा सा कि ये स्टेशन वृंदावन के नज़दीक पड़ता है और यहाँ पर भी 2 मिनट का होल्ड है। इसके बाद फाइनली हमारा मथुरा स्टेशन आएगा। बीच के एक दो स्टेशन स्किप भी करेगा, ट्रेन हमारी स्किप करेगी और फाइनली हम नज़दीक हैं मथुरा स्टेशन के पहुंचने वाले हैं। वहां पर भी थोड़ा बहुत आपको मथुरा स्टेशन पर उतर के बताएंगे, प्रॉपर नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि थोड़ा जल्दी होगी। और फिलहाल छाता रेलवे स्टेशन पर आएँ, यहां के बारे में थोड़ा सा बताएं तो आप यहां से वृंदावन जाने के लिए आपके लिए यहां से आसानी पड़ती है। जिन लोगों को सीधा वृंदावन जाना होता है वो यहां से सीधा वृंदावन जा सकते हैं। तो फाइनली ये आपको रूट दिखा दिया गया है और थोड़ा सा स्टेशन का लुक दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों अभी हम लोग मथुरा स्टेशन से पहले रुक गए हैं आउटर पर। वृंदावन रोड स्टेशन है और एक्चुअल में यहाँ इसलिए रोक दिया गया, एक तो हमारी ट्रेन हर स्टेशन पर टाइम से पहले पहुँच रही है, इस चक्कर में ये जो और ट्रेनों की जो टाइमिंग है उससे क्रैश हो रहा है तो इसलिए इसको रोक दिया जा रहा है और दूसरी ट्रेन को निकाल रहे हैं। जैसे कि यहाँ वृंदावन रोड से क्रॉस होती है 7:05 पर और ये 6:45 पर यहाँ पर आ गई तो इसलिए इसको यहाँ पर रोक दिया गया और अभी दूसरी पीछे से कोई ट्रेन आएगी उसको क्रॉस कर देंगे। तो फिर दोस्तों शुरू करते हैं। स्टेशन छोटा सा है बट इसके बारे में बता दूँ कि वृंदावन रोड है,
जैसे कि बताया था, छाता से भी लोग वृंदावन के लिए जा सकते हैं। और जो वृंदावन रोड है, कुछ ट्रेनों के कुछ मेल ट्रेनों के स्टॉपेज देते हैं, कुछ ट्रेन का स्टॉपेज देते हैं, तो यहाँ वो लोग वृंदावन के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपको मथुरा पे। तो दोस्तों हम लोग वृंदावन रोड स्टेशन पे ही हैं और यहाँ पे लंबा होल्ड है ट्रेन का, और यहाँ पे मैं आपको सीन दिखाता हूँ थोड़ा सा। और एक वो बड़ा फेमस हुआ है पाकिस्तान एक इंडिया में डायलॉग कि ये हमारी गाड़ी है और ये हम हैं और यहाँ पर पार्टी हो रही है। और अभी दिखाते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ये हम हैं, ये हमारी दातुन है, और ये हमारी दातुन है, ये दातुन की जा रही है। ये हम हैं। तो राधे राधे दोस्तों। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मथुरा जंक्शन, यानी कृष्ण की नगरी, उनके जन्म जगह। और यहाँ से आसपास सब कुछ नज़दीक है। फिर आपको और भी आगे लेटेस्ट ब्लॉग मिलेंगे। मेरे साथ मेरे जितने भी बंदे आए हैं वो पीछे पीछे दिख रहे हैं। मैं कर नहीं सकता, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग पहुंच चुके हैं और थोड़ा सा मथुरा स्टेशन का व्यू दिखाते हैं। और काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है पहले से। तो यहाँ से बताते हैं आपको दोस्तों, यहाँ से भूतेश्वर, हाथरस, कासगंज, कानपुर, गोवर्धन से आगे बांदीकुई, जयपुर, यहाँ से आपको ट्रेनें मिल जाएंगी दोस्तों। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, छोटी सी इन्फॉर्मेशन फटाफट। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, लीजिए मज़ा।